शाहजी, आपने टीम टीम स्पिरिट की बात की, इट्स वेरी क्लियर टू सी कि टीम में एक देर इज अ क्लोजनेस, टीम में मैनेजमेंट में देर इज अ फीलिंग कि देर इज अ लॉट ऑफ क्लोजनेस है, देर इज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट फॉर ईच अदर. कुछ लोगों की ये तनकीद थी कि जी क्योंकि इमरान खान सीनियर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने मुल्तान की टाइटल विनिंग रन में, और अगेन आप लोगों ने उन पर चांस लिया था एट अ टाइम जब लोग कहते थे कि नहीं जी इमरान खान सीनियर तो T20 का प्लेयर ही नहीं है. तो अब लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी मुल्तान ने उनको सिल्वर कैटेगरी में क्यों सिलेक्ट किया, ये तो थोड़ा सा उन पे अनफेयर है. तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट कि आपने उनको रिटेन किया है, वो आपकी टीम का अभी भी हिस्सा है, आपकी रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, या इज, एंड इसमें मैं जरा एक वाइडर क्वेश्चन पूछ लूंगा क्योंकि लोग कहते हैं कि जी कौन सी कैटेगरी, क्या कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है प्लेयर्स के लिए शाहजी, कि उनका वहां पे होना ज्यादा जरूरी है या कैटेगरी जरूरी है? कुरैश साहब, अगर मैं प्लेयर्स के लिए पर्सनली बात करूँ तो ऑब्वियसली हर कैटेगरी मींस डिफरेंट लेवल ऑफ रूमुनरेशन. तो वो तो मतलब उनके लिए पर्सनली, तो लेट्स बी ऑनेस्ट, हम जहां तक फ्रेंचाइज का है, फ्रेंचाइज ने 3 गोल्ड प्लेयर रखने ही रखने, तो उन्हें गोल्ड के पैसे देने ही देने, ठीक है. सो फॉर दैट इट रियली, मतलब अगर मैं आपको टिम डेविड की एग्जाम्पल दूं, मैं प्लैटिनम में किसी और को पिक करता, कुछ मैं किसी को भी पिक कर सकता था क्योंकि मैंने वो पैसे तो देने ही देने, तो माइट एज वेल गो फॉर अ प्लेयर. So maybe I think in that terms, Multan in certain cases is one franchise jo categories ko overlook karta hai as far as their role is concerned. Ke agar role fulfill ho raha hai to phir hum dekh lete. Imran Khan is a very very good case for us personally. Kyunki hua ye tha ki humne pichle, ab ye thodi si main phir zara lambi story sunane laga hu, lekin Imran Khan senior ke sath ye hua tha ki hum Multan Sultans ke jo owner hai Alamgir saab jab aaye the, unka ye data driven approach thi. You know him personally, he's a massive Oakland A's fan. Sara kuch jo thinking aur jo sari philosophy hamari franchise mein aayi hui hai, wo wahan se kafi zyada inspired hai. Aur humne jo Nathan Lehman ki bhi baat sare karte hain, jo sara signals wala bhi process tha, wo bhi Alamgir Tareen saab ka hi suggestion tha ki messages bahar se bhijwane ka kya tarika karna chahiye, and then we worked on the communication and then we worked on the different models. So what happened was कि आलमगीर साहब ने अपना एक अपना यूनिक मॉडल प्रिपेयर किया टू गेज डोमेस्टिक प्लेयर्स, क्योंकि डोमेस्टिक प्लेयर्स के अमूमन डेटा जो उनका आता है या उनके जो नंबर्स आते हैं वो कुछ सजेस्ट करते हैं, जबकि जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है वो कुछ और सजेस्ट करती है. तो इमरान, उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार मैंने एक मॉडल बनाया, मैं तुमसे बस डिस्कस करना था. मैंने मॉडल बनाया और मेरे मॉडल के मुताबिक लास्ट 2-3 वाइट बॉल कॉम्पिटिशन्स में पाकिस्तान के टॉप 3 बॉलर्स में ये इमरान खान सीनियर आ रहा, तो तुम बताओ क्या करें. मैंने कहा सर बड़ी सीधी सी बात है, वी हैव द वेयर अ फ्रेंचाइज, वी कैन अफोर्ड टू टेस्ट आवर थ्योरीज. अगर आपका मॉडल ये कर रहे हैं, द ओनली वे वी कैन टेस्ट द मॉडल इज बाय, हमने बाय द स्टेप को भी बाद में इसी वजह से जब सिलेक्ट किया था तो यूं किया था, आपका मॉडल अगर ये कह रहा है सो लेट्स टेस्ट द मॉडल, लेट्स जस्ट पिक इट. इमरान खान सीनियर ने पता नहीं 2014-2015 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था, एंड ही हैड नेवर प्लेड, ही हैड नेवर इवन बीन ड्राफ्टेड फॉर अ सिंगल PSL टीम. ही हैड बीन ड्राफ्टेड फॉर T10, ही हैड बीन ड्राफ्टेड फॉर अ CPL टीम, बट ही हैड नेवर प्लेड इन द PSL. तो ये वाली चीज हमें हमेशा हैरान में होता था कि यार मतलब ठीक है, अब इमरान खान सीनियर को जो पिक कर रहे थे तो हमें हमारे एक दो कोचेस और एक दो प्लेयर्स ने कहा कि आप इसे ना पिक करें, किसी और को पिक कर लें, ये एक वाइट बॉल बॉलर नहीं है. मैंने उस वक्त, और थी भी सप्लीमेंट्री राउंड की बारी, आलमगीर साहब एंड आई डिसाइडेड नहीं, अब हमने मॉडल को ट्राई करना है, वी पिकिंग हिम. आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ द कोचेस सेड कि दिस पिक इज ऑन यू. मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, दिस इज परफेक्टली फाइन. वो तो बाद में कप्तान रिजवान आ गया ना, तो रिजवान इनफैक्ट इवन न्यू बेटर हाउ टू एक्सप्लॉइट इट. इवन शानी वॉज स्केप्टिकल इन द बिगिनिंग, एंड शानी आज तक ये बात एक्नॉलेज करता है कि नहीं वो मॉडल आपका काम कर गया, एंड आई गिव इट टू यू. सो उस मॉडल का वो जो था ना, एक लेट्स जस्ट से द गिनी पिग ऑफ दैट एंटायर मॉडल वॉज इमरान खान सीनियर, एंड ही डिलीवर्ड बहुत जबरदस्त तरीके से. तो एक तो ये हो गया. अच्छा, अब जब आप बात कर रहे हैं ना, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन, तो मैंने कहा एक तो मैं इमरान खान सीनियर पर मैं ये बात कर दूँ कि मतलब उसके बाद, एंड इमरान खान इज एन अमेजिंग, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू हैव इन द ड्रेसिंग रूम, कर ये सारी बहुत अच्छे. अब जो आप बात करेंगे इमरान खान की रिस्पेक्ट और सारा कुछ, सो सिचुएशन ये थी कि इस साल राइट टू मैच वॉज इंट्रोड्यूस्ड. हमने इनिशियली अपने प्लेयर्स की रेलिगेशन फ्लोट की थी, कुछ प्लेयर्स की
रेलिगेशन का रूल ये होता है कि अगर रेलिगेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाए तो आप उसी प्लेयर को लोअर कैटेगरी में रिटेन करके चलते। अगर रेलिगेशन सक्सेसफुल ना हो तो पुराने वक्त में ये होता था पिछले साल तक कि आपको या वो खिलाड़ी उसकी ओरिजिनल कैटेगरी में रिटेन करना पड़ता था या वो आपको रिलीज करना पड़ता था इनटू या वो आपको दूसरी टीम को देना पड़ता था। ठीक है, हमने ये किया कि हमने रेलिगेशन फाइल की, हमारे हर प्लेयर की रेलिगेशन अनसक्सेसफुल हुई। खैर इस साल तो पीएसएल में हर एक ही अनसक्सेसफुल हुई। तो हमने असेस किया कि ओके किस किस की रेलिगेशन हमने फाइल की थी और देन वी स्टार्टेड मेकिंग एन असेसमेंट कि कौन कौन किस किस खिलाड़ी में इंटरेस्ट ले सकता है। उसमें हमें सिचुएशन ये थी कि ऑल वी हैड टू डू वाज डॉज वन टीम इन गोल्ड। द मोमेंट इमरान खान सीनियर ड्रॉप्स डाउन टू सिल्वर नो वन एल्स कैन पिक हिम एक्सेप्ट फॉर अस, क्योंकि हम ड्राइव टू मैच कर सकते थे। तो इट वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन जहां पर इमरान खान वाज टोल्ड कि यार आपका ये होगा तो आप एक बार सिल्वर में ड्रॉप करते तो हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। ऑब्वियसली इफ समवन पिक्स यू बिफोर अस वी विल नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर, वी विल नेवर सॉर्ट ऑफ लाइक मेक यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर इनकम, लेकिन इतनी हम आपको गारंटी करें कि एक बार आप सिल्वर में आ जाएंगे तो वी विल पिक यू। तो हमने वो स्ट्रेटेजिकली वो चीज असेस की थी। लाहौर ऑलरेडी हैड देयर सिग्निफिकेंट कोटा ऑफ फास्ट बॉलर्स एंड वी न्यू दैट दे बी प्रॉब्ली पिकिंग वन इन इमर्जिंग और एक उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी होगा। उस चीज को दिमाग में रखते हुए वी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि लाहौर माइट नॉट गो फॉर हिम। उस्मान कादिर में देवर अ कपल ऑफ अदर टीम्स इंटरेस्टेड, सो वी अज्यूम कि अगर जलमी ने उस्मान कादिर को उठाना है तो उन्हें गोल्ड में ही उठाना है। तो एक तो वो सिल्वर में ड्रॉप करता है इमरान खान तो ही इज अवेलेबल टू अस। सो दैट वॉज इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक थिंग। तो इट वॉज नेवर कोई डिसरिस्पेक्ट टू एनी वन। और ये बात हमने अपने प्लेयर्स को भी बताई होती है कि यार दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टू लेट यू गो। अगर आप नोट करें मुल्तान डिस्पाइट बीइंग चैंपियंस एंटर्ड द ड्राफ्ट विद 7 रिटेंशन नॉट 8। अगर हमारी किसी एक की भी रेलिगेशन सक्सेसफुल होती तो इमरान खान सीनियर को हम ड्राफ्ट में डालते ही ना।